तो दोस्तों थ्योरी कैसी लग रही है आपको आपने पूरा कोर्स अप्लाइड किया है और आपने डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर प्रैक्टिस भी की है जो अब आप यूज़ भी कर रहे होंगे और अब तक हमने दो से तीन सेशंस किए हैं थ्योरी के एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी इन्जॉइंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो आप फोर पीज ऑफ मार्केटिंग जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा है मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम फोर पीज ऑफ मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इन्वायरमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं या वो फोर पीज ऑफ मार्केटिंग खाली ट्रेडिशनल मार्केटिंग का स्ट्रेटजी बनाने के लिए यूज़ होता है अब फोर पीज ऑफ मार्केटिंग मार्केटिंग डिसिप्लिन की पूरी की पूरी बेस है तो आप यकीन उसको डिजिटल मार्केटिंग की डिसिप्लिन में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन चूंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं और डिजिटल टेक्नोजीज़ दिन ब दिन चेंज हो रही हैं कंज्यूमर का एटीट्यूड दिन ब दिन चेंज हो रहा है तो इस वजह से मैं इस सेशन में और अगले चंद सेशंस के अंदर आपको फोर पीस के साथ साथ फाइव एस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा अब फाइव एस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है क्या क्या पहला एस है सेल का सेकेंड एस है सर्व थर्ड इज स्पीक फोर्थ इज सेव एंड द लास्ट एस इज ये बिल्कुल सिर्स ऑफ मार्केटिंग की तरह एक स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है यानी कि इन पांच चीजों के ऊपर फोकस करके कोई भी डिजिटल मार्केटियर एक प्लान बना सकता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अपने क्लाइंट को दे सकता है या अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता है जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा है तो आइए सेशन के अंदर मैं पहले एस की बात करता हूँ जो है सेल लेकिन उसकी बात करने से पहले आपसे मेरा एक सवाल है ये पाँच एस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वाई दीज फाइव एस आर इम्पॉर्टेंट ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ी है कि हम बजाय इसके कि फेसबुक एडवर्ट्स पे अपना टाइम स्पेंड करें या गूगल एड पे अपना टाइम स्पेंड करें हम थ्योरी की तरफ चल पड़ें और अब हम बात करें कि जी फाइव एस की इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है सबसे पहली रीज़न जो फाइव एस को यूज़ करने की वो है कि बाई यूजिंग दीज स्ट्रेटी फ्रेमवर्क यू आर गोइंग टू पिन पॉइंट दी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आपने अपनी कैंपेन के सेट किए हैं आप उसको पिन पॉइंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर आपने फोकस ज्यादा करना है और इसी के साथ दूसरा मेरा पॉइंट है विच इज फोकस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स यानी कि जब आप एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो ये इतनी कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी है जो पांच चीजों या पांच फैक्टर्स uh, के अंदर uh, इसका पूरा शुमार हो रहा है और इन तमाम पाँचों चीज़ों को जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी एक स्ट्रेटजी बन जाएगी जिसका फोकस उन तमाम चीज़ों के ऊपर होगा जो एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में होनी चाहिए और लास्ट के अंदर इट प्रोवाइड्स यू ए वेरी गुड फाउंडेशन एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि खाली सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठ के सॉफ्टवेयर यूज़ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जब आपको बैकग्राउंड पता होगा आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी और फाउंडेशन स्ट्रांग होती है तो एक घर भी बड़ा स्ट्रांग बनता है तो इसी तरीके से जब आपकी फाउंडेशन थोरटिकली स्ट्रॉग होगी तो आप एक अच्छे डिजिटल मार्केट भी बन सकेंगे तो आइए ज़रा पहले इस पर नजर डालते हैं जो है सेल अब सेल से आपके जहन में क्या चीज़ आती है अगर हम ऑनलाइन मॉडल uh, के ऊपर बात करें तो ऑनलाइन मॉडल के अंदर सेल की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ई e कॉमर्स आता है जिसके ऊपर आपने एक कोर्स भी पढ़ा है डिजी स्किल्स के अंदर या पढ़े होंगे अभी आप आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर रन कर रहे हैं फेसबुक पर है या आपकी अपनी वेबसाइट है और उस ऑनलाइन स्टोर के थ्रू आप चीज़ें बेच रहे हैं क्या इस सेल की स्ट्रेटजी के अंदर वही स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं कि आपने अपनी चीज़ें कैसे बेचनी है ज़रूरी नहीं है अगर आप ऑनलाइन स्टोर रन नहीं कर रहे बल्कि आप एक ऐसा पेज रन कर रहे हैं कि जिसके अंदर आप डेली उर्दू शायरी पोस्ट करते हैं तो आपका जो कंज्यूमर है ये कस्टमर है आपके पर्टिकुलर पेज का उसके आया उससे आप चाहते ये है कि वो आपके पेज के ऊपर आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेर शेयर शायरी पढ़े तो आपके केस के अंदर यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग फिजिकल बट यू आर बेसिकली इन्वाइटिंग पीपल के वो आपके पेज के ऊपर आके आपके कॉन्टेंट को पढ़ें इसी तरीके से ब्लॉग क्रिएशन जब आप करते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि ब्लॉग के ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आके अपने आपके कॉन्टेंट को पढ़ें आप डिफरेंट वेबसाइट्स हो गई आ, उनके अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आ, किसी वेबसाइट के ऊपर हो सकता है कि सेल स्ट्रेटजी जब आप बना रहे हैं तो सेल स्ट्रेटजी जो है वो ये बनेगी कि, कि हमारी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और आकर ये जो पहली स्क्रीन के ऊपर फॉर्म अपीयर होता है जिसके अंदर आपने नेम एड्रेस या फोन नंबर देना होता है वो फिल करें ताकि उनका जो रिकॉर्ड और डाटा है वो हमारे पास आए और उस डाटा को यूज़ करके हम अपने जो टेली मार्किटियर्स हैं या जो फ़ोन करने वाले मार्केटियर्स हैं उनको हम वो नंबर्स देंगे उनके या ई एड्रेस देंगे और उनकी हम फिर ई मार्केटिंग करेंगे अब सेल स्ट्रेटजी के साथ एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड है वो है कि आपने जब भी सेल की स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके एक्शनेबल टारगेट्स रखने हैं हमेशा या एक्शन टारगेट्स रखने हैं आपके वो तमाम टारगेट जो आप सेट कर रहे हैं सेल स्ट्रेटजी के लिए वो वो हों कि जिसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है ऐसे हवा में आपने कोई चीज डिसाइड नहीं करनी अगर आपने फॉर्म फिलिंग इंक्रीज करनी है तो कीप इट वेरी सिंपल कि वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर बीइंग फिल्ड ऑन आवर वेबसाइट यानी कितने लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं और कितने लोग आके कि उस फॉर्म को फिल कर रहे हैं या ये है कि मैं चाहता हूं कि मेरी ब्लॉक के ट्रैफिक इंक्रीज हो गए इन इज एन एक्शनेबल टारगेट क्यों क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है कि लोग आके आपका कॉन्टेंट पढ़ें एक्शनेबल टारगेट्स के साथ सेकेंड पॉइंट इज ऑप्टिमाइजर्स आप एक अच्छी सेल स्ट्रेटजी कभी नहीं बना सकते अगर आपकी हर चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं है ऑप्टिमाइज से अगर मैं आसान लफ्ज़ों में इसको एक्सप्लेन करूँ तो उसका मतलब है कि हर चीज़ आपस में इंटर है आपका फेसबुक पेज कनेक्टेड है आपकी वेबसाइट के साथ और वेबसाइट कनेक्टेड है आपके लिंकड के साथ तो एक कस्टमर जब एक फील ले रहा है आपके ब्रांड की तो उसको हर जगह एक ही तरह के कलर एक ही तरह का थीम नज़र आ रहा है और जिसको यूज़ करके उसका एक्सपीरियंस भी बेहतर होता है और वो रिस्पॉन्सिव ज़्यादा होता है और आपकी सेल स्ट्रेटजी उस केस में काम भी करेगी और लास्ट के अंदर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स आप जो टारगेट्स सेट कर रहे हैं वो एक्शनेबल तो हों लेकिन ऑप्टिमिस्टिक भी हों ऐसा ना हो कि आपने अभी तक ज़ीरो फॉर्म फिल करवाया अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकिन जैसे ही आपने अपनी डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट की है और सीख ली है तो आप कहेंगे जी मैंने पहले महीने के अंदर पाँच हज़ार लोगों का चाहता हूँ कि वो मेरी वेबसाइट पे आएँ और आकर फॉर्म को फिल करें दिस इज़ नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक टारगेट आप स्लो चलें ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें लर्न करें कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करके अपनी ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं और उसकी बेस के ऊपर सेल स्ट्रेटजी बनाएं जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट है वो हमेशा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू एक एब्रप्ट इम्प्रूवमेंट के तो इस सेल स्ट्रेटजी को अपने तौर के ऊपर प्रैक्टिस करें और जब भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का डॉक्यूमेंट बनाना है तो जहाँ आप फोर पीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ आप इस फाइव एस के इस सेल स्ट्रेटजी की भी डिस्कशन ज़रूर करें